नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए लोगों को ले जाने वाली टाइटन पनडुब्बी 5 लोगों के साथ रविवार दोपहर से लापता है। राइटर्स के मुताबिक ये पनडुब्बी भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे अटलांटिक महासागर में छोड़ी गई थी। इसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन रहती है। आज दोपहर 1:30 बजे तक 5 घंटे की ऑक्सीजन बची होने का अनुमान है। रेस्क्यू टीम में शामिल ऑफिसर्स ने बताया कि पनडुब्बी के सर्च ऑपरेशन में 10 और जहाज और कुछ सबरिम्स भी उतारी गई है। ऑपरेशन को लीड कर रहे कैप्टन ने कहा, हमें नहीं पता है कि वे लोग कहाँ हैं। बुधवार को टाइटैनिक के मलबे के पास से रिकॉर्ड हुई आवाजों के आधार पर सर्च का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब अमेरिकी स्टेट कनेक्टिकट से दुगने बड़े क्षेत्र में इसे ढूंढा जा रहा है। बीबीसी ने बताया कि पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होना ही इकलौती दिक्कत नहीं है। पानी में रहने के दौरान मुमकिन है कि उसमें बिजली की सप्लाई ठप हो गई हो। अगर ऐसा हुआ तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच बैलेंस बनाना नामुमकिन हो जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक टाइटन पनडुब्बी सिर्फ 22 फीट लंबी है, जिसमें बैठने के लिए सीट नहीं है। इससे पहले बुधवार को कनाडा की तरफ से सर्च ऑपरेशन में शामिल एक एयरक्राफ्ट को सोनार बाई की मदद से कुछ आवाजें सुनाई दी थी। एनएन के मुताबिक ये उसी जगह के पास से रिकॉर्ड की गई जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। आवाजें करीब 30 मिनट के इंटरवल पर रिकॉर्ड हुई थी। फिर 4 घंटे बाद सोनार ने दोबारा इसे डिटेक्ट किया था। पनडुब्बी को ढूंढने के लिए इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।